दोस्तों आप सभी जानते हैं कि BTS में हमारे गोल्डन मांगने यानी जंगकुक एक ऐसे मेंबर हैं जिनका फैशन सेंस और सारी चीजें बाकी मेंबर से बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसे कि जंगकुक को टैटूज काफी ज्यादा पसंद है। इसके साथ साथ उन्होंने आर्मीज के साथ बहुत ही सारी चीजें शेयर करी थी, जैसे कि उन्होंने अपनी आईब्रो पियर्सिंग बटर सॉन्ग के रिलीज होने पर रिवील करी थी। इसके बाद अचानक से उन्होंने आर्मीज को अपनी लिप पियर्सिंग भी दिखाई थी, जिसके बाद उनका लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और दोस्तों आर्मीज को उनका ये न्यू लुक काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली जंगकुक ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में रिवील करा है कि उन्होंने अपने आईब्रो पियर्सिंग को रिमूव कर दिया है। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और पूरी बात जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि BTS की सारी अमेजिंग अपडेट्स आपको फटाफट से मिलती रहे। तो दोस्तों BTS गोल्डन मांग ने जंगकुक की आईब्रो पियर्सिंग उनकी लिप पियर्सिंग आर्मीज को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। जब जंगकुक ने रिसेंटली अपना ये न्यू लुक रिवील करा था तो वो काफी ज्यादा ट्रेंड भी हो गए थे और आर्मीज उनके इस नए लुक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड भी थी। लेकिन फिर से जंगकुक ने बिना बताए आर्मीज को बहुत ज्यादा शॉक्ड कर दिया है और उनको एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों अचानक से रिसेंटली यानी फरवरी 26 को गोल्डन मांग ने यानी जंगकुक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक छोटी सी वीडियो पोस्ट करी थी, जिसको देखने के बाद आर्मीज को बहुत ही ज्यादा बुरा और सैड फील हो रहा है। तो दोस्तों असल में आर्मीज को सैड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा अंधेरा है और जंगकुक ने अपने मास्क को नीचे किया और अपनी लिप पियर्सिंग को दिखाई, लेकिन अचानक से उसके बाद उन्होंने अपने बालों को साइड किया और उन्होंने अपनी आईब्रो पियर्सिंग दिखाई, जिसको देखने के बाद आर्मी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। दोस्तों एक्चुअली जब जंगकुक ने अपनी आईब्रो पियर्सिंग दिखाई तो आर्मीज ने देखा कि उनकी आईब्रो पियर्सिंग वहां पर नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, जिसको देखने के बाद काफी सारी आर्मीज को ऐसा लगा कि अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि उनको उनके इसी लुक से बहुत ही ज्यादा प्यार भी हो गया था। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों आईब्रो पियर्सिंग एक्चुअली परमानेंट कभी भी नहीं होती है। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कितनी बार भी पियर्सिंग करा ले वो बार बार ग्रो हो जाती है। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो खुद को बार बार हील कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरह आईब्रो पियर्सिंग जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, उनको अगर हम पियर्स कराते हैं तो वो वापस से ग्रो हो जाती है। इसीलिए जंगकुक ने शायद अपनी पियर्सिंग जो पिन्स हैं उनको हटा दिया था। हालांकि इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, जंगकुक अगर चाहे तो उसको फिर से पियर्स करवा सकते हैं। हमारी बॉडी के जो फ्लैट सरफेस होते हैं वहां पर अगर हम कोई भी पियर्सिंग कराते हैं तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। जैसे कि हमारे माथे पर या फिर हमारी स्किन पर अगर कोई भी पियर्सिंग कराई जाए तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन हम उसको फिर से करवा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमारे जंगकुक हैं वो अब कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। फिर भी उनके इस नए लुक को देखकर आर्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जंगकुक की जो पियर्सिंग थी उनको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और इसके ऊपर काफ़ी सारी आर्मीज ने मीम्स बनाना भी शुरू कर दिया है कि जंगकुक इतने अच्छे से अपनी कार में गाना वाना सुन रहे थे और वीडियो बना रहे थे और कहाँ हम सारे लोग उनकी पियर्सिंग को देखकर इतने ज़्यादा उदास हो गए। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि जंगकुक जल्दी से फिर से कुछ नया आर्मी के साथ रिवील करने वाले हैं और अब उनकी पियर्सिंग को बाय बाय कहते हैं। शायद वो फिर से कोई नई पियर्सिंग ट्राई करने वाले हों, जैसा कि पहले भी उन्होंने अपने कान की सारी रिंग्स को उतार दिया था अचानक से, क्योंकि उनको पेन हो रहा था और अचानक से उन्होंने कुछ ही टाइम बाद 6 पियर्सिंग करवा ली। तो हो सकता है कि इस बार कुछ नया सा हमको देखने को मिले। तो दोस्तों जंगकुक के इस न्यू अपडेट पे और उनकी पियर्सिंग अब ना होने के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको पियर्सिंग अच्छी लगती थी या फिर बुरी लगती थी ये भी बता दें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।